उत्तराखंड जो है देवभूमि है, देवभूमि का दर्शन करना, जितनी बार दर्शन करने का मिले तो बहुत अच्छा, और यहाँ जितने लोग रहते हैं वो सब देवता हैं, इनका सब दर्शन करने आया हूँ देवताओं का। देखिए कर्नाटक की जीत जो है ना वो कांग्रेस पार्टी के तमाम करोड़ों कार्यकर्ताओं के हौसले की जीत है। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता है, ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के होते हुए बीजेपी हार नहीं सकती है। तो हिमाचल में इसकी शुरुआत हुई, हमने हिमाचल जीता, उसके बाद कर्नाटक जीत करके ये मैसेज पूरे देश में चला गया है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराया जा सकता है। 2024 ये बीजेपी का एक प्रोपोगंडा है, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है ये घोषित हो जाए, जबकि कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है, सर्वधर्म संभाव के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है, और कांग्रेस ने हमेशा महात्मा गांधी की विचारधारा को फॉलो किया है और आगे भी करेगी। कांग्रेस की जो सियासत है वो सत्ता के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। कांग्रेस ने इस राष्ट्र का निर्माण किया है, तो इसलिए बीजेपी का ये आरोप एकदम गलत है, मिथ्या है और वाहियात है, मैं इसे सिरे से खारिज करता हूँ। 2024 को किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस, जिस तरीके से बीजेपी लगातार रास करती आ रही है, अब क्या कांग्रेस इसको चेंज करेगी? लड़ाई तो कठिन है, संघर्ष काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व में मोदी जी के विरोध में सभी रीजनल पार्टीज अगर हमारा साथ देती हैं तो निश्चित रूप से 2024 में हम बीजेपी की सरकार को हटा पाएंगे।